सुंदरवन जंगल में टुंटुनी चिड़िया अपनी शौरीली माँ टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुंटुनी चिड़िया को नाचने का बहुत शौक था, इसलिए वह अपनी शौरीली माँ से छुप छुप कर नाचा करती थी। तेरे ही मुँह से सुन रहा हूँ कि एक नाचने वाली चिड़िया संस्कारी भी हो सकती है। बेटा, अगर तुमने उस नाचने वाले से शादी की ना, तो तू मेरा मड़ा हुआ मुँह देखे कहाँ। अपने पिता की यह बात सुनकर कालू कौवा खामोश हो जाता है और अपनी कमरे में चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जब सेठ कड़कनाथ अपने क्लब में काम काज देख रहा था, तभी अचानक से उसे हार्ट अटैक आता है। तभी टुंटुनी चिड़िया क्लब में ही मौजूद थी। वह सेठ कड़कनाथ की ऐसी हालत देख कर तुरंत से डॉक्टर बुलबुल को कॉल जल्दी से क्लब आती है और सेठ कड़कनाथ कौवे का इलाज शुरू कर देती है। ये लीजिए, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है और आप इन्हें समय से दवाइयाँ देते रहिएगा। अब टुंटुनी चिड़िया दिन रात सेठ कड़कनाथ कौवे की सेवा किया करती। टुंटुनी चिड़िया की इस सेवा से सेठ कड़कनाथ जल्द ही ठीक हो जाता है। एक दिन सेठ कड़कनाथ टुंटुनी चिड़िया से कहता है, बेटी मैं तेरा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बेटी मैं तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ, क्या तू मेरे बेटे से शादी करेगी। और शहर हिलाकर हाँ।